बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। 13 मई को राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देर शाम दफ्तर से घर लौटते वक्त बदमाशों ने राजदेव रंजन को गोली मारी थी। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो 5 लोग पकड़े गए हैं, उनकी क्या भूमिका रही है इस पूरे हत्याकांड में? देखिए, जो पुलिस मुख्यालय है, एडीजी सुनील कुमार, उनके तरफ से ये दावा किया गया है कि सिवान हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई है और मुख्य साजिशकर्ता जो लड्डन मियां है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वही इस हत्याकांड का पूरा किंग पिन है। उसने ही पूरी रोडमैप बनाई थी हत्याकांड को कैसे अंजाम देना है। और इस हत्याकांड में कुल 5 अपराधी शामिल थे। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो वेतन भी पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है। उस बाइक को भी पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में। तो फिलहाल जो सिवान पुलिस है और बिहार पुलिस मुख्यालय में बैठे जो एडीजी है उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पत्रकार राजदेव हत्याकांड की गुत्थी पुलिस तरफ से सुलझा ली गई है। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस किंग पिन का हवाला दे रही है पुलिस, क्या वही असली गुनहगार है या फिर किसी ऊपर, उससे भी ऊपर के आका को बचाने की ये कोशिश है? ये अलग बात है कि अब इतनी कार्रवाई होगी तो उसमें कुछ चीजें बरामद होंगी, कुछ लोग पकड़े भी जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल है। थोड़ी देर में एडीजी सुनील कुमार जो है वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगे, अपनी बातों को बताएंगे। जो दावा उन्होंने फौरी तौर पर किया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उस समय ये सवाल जाहिर सी बात है लिया जाएगा मीडिया के द्वारा, हमारे और अन्य जो मीडिया पर दिया जाएगा। तो अब वो देखना होगा कि उनका जवाब क्या आता है। लेकिन फिलहाल जो दावा है वो दावा यही है कि लड्डू मियां ही जो है वो इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने में साजिश करता था। उसके इशारे पे ही उनके जो साफ सुटर है उसने राजदेव को गोली मारी और बॉस सलीम चलाया था। जिस लड्डन यादव का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका रिकॉर्ड रहा है और रंजन यादव जैसे पत्रकार कितना वास्ता रखते होंगे किसी लल्लन या लड्डन यादव से? देखिए, जो लड्डन मियां है उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो पहले साउदुद्दीन के लिए काम किया करते थे। फिलहाल उनकी साउदुद्दीन से कितनी नजदीकी है ये पुलिस नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि जो ये घटना हुई है उसके पीछे की क्या कारण है उस बाबत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसका खुलासा निश्चित तौर पर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि काफी समय तक जो मुख्य आरोपी है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो साउदुद्दीन के लिए काम क्या करता था। तो ऐसे में कहीं कहीं जो इशारा पहले से मान के चला जा रहा था कि यह जो हत्याक्रम है, जो अपराध हुआ है सिवान में, वो बिना साउदुद्दीन के नहीं हुई हो तो वो कहीं। शुक्रिया अमित इन जानकारियों के लिए।